कराची के बिन कासिम टाउन की यूसी रेड़ी म्याण की कदीम सिंधी वसंदी रेड़ी म्याण में समाजी तंजीम हेल्थ एंड न्यूट्रिशन डेवलपमेंट सोसाइटी पारा जरूरतमंद गरीब माजूर औरतुन बारन तोड़े मर्दन के बुधन जा औजार नजर जो एनकू तोड़े मसनू टंगू बाहू डेण लाए टिन डीहन की मुफ्त कैंप लगाई वही। रेड़ी म्याण की सरकारी अस्पताल में लगायल इन कैंप में 1286 जरूरतमंदन के अड़ी शूँ मुहैया कई व्यू जिनसा संदन बुधन दिसण घुमण की सघ बहाल करण में मददगार साबित थी। कैंप से गरीब इलाकन का आयल जरूरतमंदन सिंध टीवी न्यूज से गलहंदे गुर्बत सबब संदन इलाज सही न थियण के करे हुनन जी बुधन तोड़े दिसण जी सघ मुतासिर थी हुई जैं करे हु हिन कैंप ते आया आहिन। सेवन क्लास में पढ़स पे तदे मुखे ही बीमारी यानी पानी पीण की वजह का ही कमी महसूस थी नंढपण का को जी हाँ उन्होंने पर्दे के अंदर जख्म थी वे उनका बाद अस इलाई दफा चेकअप भी करायासी यानी हॉस्पिटल वाला अस बार बार असो मसलो बुधा चुना मशीन वगैरह लगा तो यानी ये हैंड्स जो इदारो है जैमें नालो लिस्ट में विजा उन बाद अज जो कन्न की मशीन मिली है जिनकी वजह का सही सुनो जी हाँ शुरू शुरू का बुधासी तो अज ये महसूस थे पे यानी अज अल्लाह ताला जो शुक्र है जो ये कमी महसूस लही वही यानी अगर किथे वी केर मजाक में भी चई छो नसरी तू तो ओड़ी थी वही तो इलाही यानी शर्म इंद चंदिस अल्लाह ताला जो यानी जो अल्लाह के मंजूर हो पर यानी कमी भी को इंसान ये कमी थी दुख थी घरवारा चंदा तो कावड़ इंदी हुई अगर दोस्त चंदा तो दुख थी घरवार यानी कावड़ सब भले चुन पर तुम छो तो अचो आऊँ बोड़ी ना आया गुस्से में चंदा आऊँ बोड़ी ना आया उनके कन्न में सूर आ भी नजर न तो पे अखियन जो डॉक्टर चन इन में सूर आई वोंदा पोसाई थी ना मुया बुद्धा न थी सड न दिठो आ मशीन दिनियो तकरीबन कन्न जाए भी अखियन जाए भी छाती थी चक्कर से तो असा के एडा चश्मा वश्मा दियन जे लाय करे ताके मिलियो चश्मो हां मिलियो मिलियो क्या मसला था कान का फायदा क्या आप सुन सकती हैं अभी जी सुन पहले नहीं सुन सकती थी नहीं कब से कितने साल हुए 2 साल हो गए तकलीफ हो रही थी दोनों कानों में ये आया ही अखियन ने इलाज ला करे इलाज थियो हां चश्मा मिला असा के कैंप ते मरीजन जी चकास कंदड़ मेडिकल अमले तोड़े खेन एनकू ए हियरिंग एड यानी बुधन जा औजार दींदड़ डॉक्टर ए बियन सिंध टीवी न्यूज से गलहंदे चयो त रेड़ी जी कदीम मसंदी में सेहत जो सहूलतूं न होजण जे करे गरीब मानू तमाम घणी तकलीफ में आहन छाकाणि त बीमारियुनि जो बर वक़्त इलाज न थियण जे करे उन्हनि जूं बीमारियूं वधी वण थियनि थियूं जंहिं करे संदन सिहत खे वॾो नुक़सानु पहुचे थो। असां सेकेंड कैंप पिया लॻायूं रेड़ी में हिन में असांखे आहिनि तकरीबन 600 जेके लॻभॻि जेके पेशंट आहिनि उहे त असीं ॾिसूं पिया हा अॼु ठीकु आहे 250 असां कल्ह कया आहिनि 400 अॼु करणा अॼु जेको असां कैंप लॻाई आहे उहो सिर्फ़ु हेयरिंग ऐं विज़ुअल मतिलबु जंहिंखे अखियुनि जो थो मसिलो आहे प्रॉब्लम आहे नज़र घटि आहे या उन हिसाब सां अॼु उहे पेशंट असीं ॾिसूं पिया ऐं ॿिया जेके आहिनि हेयरिंग जो एड जेको मतिलबु बिल्कुलु ॿुधी नथा सघनि ठीकु आहे उन्हनि जी जेको ॿुधण जी जेका सलाहियत उहो बिल्कुलु घटि आहे त असीं उन्हनि खे हेयरिंग एड ॾियूं पिया उनजो चेकअप वग़ैरह कराए बाक़ाइदा तव्हां ॾिसो पिया असां रिसेप्शन लॻाई आहे हिते जेको बि असां वटि PWD मेंबर अचे पियो जेके पेशंट अचनि पिया उन्हनि जो बाक़ाइदा असां हिते रजिस्टर कयूं पिया उनजो वेरीफाई कयूं पिया त आया ही उहो ई पेशंट आहे या कोन्हे को असांजी टीम उन्हनि खे टोकन बि ॾिना आहिनि उन एरिया में वञी करे ताकी उहो जॾहिं कैंप में अचनि त उहो त पंहिंजो टोकन खणी हिते वेरीफाई करनि वेरीफाई कराए पोइ असां अंदरि मोकिलियूं था उन डॉक्टर जेके अंदरि वेठा आहिनि एक्सपर्ट उन्हनि वटि पोइ उन्हनि खे डिवाइस कुझु लोग आहिनि जिन खे बायलैटरल हियरिंग लॉस आहे बास आहे उनका इंडिविजुअल आहे किसी तो किसी का एक कान का किसी का दो कान का तो वो मतलब उसकी क्वालिटी जो है वो अलग है। वैसे बेसिकली वजह ज़्यादातर जो होती है उसमें ये होता है कि नज़ले की वजह से एक कान ज़्यादा जो है वो मुतासिर होते हैं और इसके बाद चोट लगने से या मतलब आप कोई हाइपोटेंसी की मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं या हाई तेज़ बुखार होता है उस वजह से भी कान जो है वो कमज़ोर हो जाते हैं। यहाँ पर कुछ गवर्नमेंट की तरफ से कोई फैसिलिटीज़ वगैरह जो है ना वो नहीं है कि जैसे किसी को कोई थोड़ा प्रॉब्लम होता है तो यहाँ पे हॉस्पिटल्स वगैरह अवेलेबल नहीं है अच्छे डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है तो जिस वजह से उनका बर वक्त ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है तो उस वजह से फिर ये प्रॉब्लम जो है वो ज़्यादा बढ़ता है।
तो अगर हुकूमत यहाँ पे मुनासिब इकदाम करे तो उसकी वजह से फिर यहाँ पे इन बीमारियों पे कंट्रोल पाया जा सकता है, कंट्रोल हो सकता है, ताकि जिससे जो है ये शरह जो है वो कम हो सकती है। लेकिन हमने देखा है यहाँ पे, पूरा हमने सर्वे किया है, तो यहाँ पे कोई भी हॉस्पिटल्स नहीं है, और कुछ जो हॉस्पिटल्स हैं भी वहाँ पे ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है। तो इस वजह से यहाँ पे जो है ये प्रॉब्लम जो है वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है। और दूसरा, कुछ लोग इतने गरीब हैं कि वो मतलब अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो शहर में जाएं, किसी अच्छे डॉक्टर से जाके इलाज कराएं, तो इस तरह की भी सहूलत इनके पास नहीं है, क्योंकि इनके पास वो वसाइल नहीं है। तो इस वजह से ये प्रॉब्लम ज़्यादा जो है ना वो तेज़ी से बढ़ रहा है। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं कि जिनका कान भी कमज़ोर है, आँखें कमज़ोर हैं, तो उनके पास, हमारे पास जो पेशेंट आए हैं इनमें बहुत सारे ऐसे हैं कि जिनके कई कई सालों से उनके साथ ये प्रॉब्लम है, लेकिन उन्होंने एक अवेयरनेस ना होने की वजह से, या उनके पास एक वसाइल नहीं है कि उसका जो है वो ट्रीटमेंट कर सके, उसका इलाज करा सके, तो इस वजह से उन्होंने अपना इलाज जो है ना वो नहीं करवाया, और यहाँ पे आके जो है ना वो उन्होंने, हमने उनको चीज़ें प्रोवाइड की हैं, वो माशाल्लाह बड़े खुश जो है ना वो जो है ना वो हो रहे हैं। अगर हॉस्पिटल आए भी तो डॉक्टर कौन है, बिल्कुल अवेलेबल ही कौन है, खास कर ये बिल्डिंग जो मिसाल आसान जे शाम हुआ तो पाण से बिल्डिंग बंद थे, बेड बेड आए, सब कुछ आए, शयूं वगैरह सब कुछ आए, लेकिन हलाए छो न तो हले, ये कैं कमज़ोरी है, मां तो चवानी त गवर्नमेंट की कमज़ोरी है। असाजे प्रोजेक्ट में असं अवेयरनेस दूँ पा सबब है इन छो त कुछ मू अड़ा भी आज जैके पोलियो थी वे या जिस्मानी कमजोर वगैरह जी भी आन आयोडीन की कमी से आए, आयोडीन की कमी है, अमल के दौरान माँ टुक वगैरह को हड़ो उनके करे। लेकिन अस सर्वे कई अस खबर अथस कन्न में सूर या चाय अस उन नाला लिखी वह डॉक्टर ते डॉक्टर असेसमेंट कया तो अस खबर थी पे तो इन हेयरिंग एड की जरूरत है। गवर्नमेंट के अचन त या उनके एकदम करना खपे तो इलाही माजूर मानू उन्होंने लाइ कुछ करे। तकरीबन हमारे जो है 155 तक जो है वो पहले दिन हुए थे, तो उसमें डबल भी दिए है ना, माइनस प्लस में, ठीक है ना, तो समझे कि 250 तक जो है वो कल गए हैं, और आज जो रिसीव हुई है वो 69 तक है, ठीक है ना, 69 आज जो है पेशेंट जो मरीज़ हमारे पास आए हैं, तो इनको डबल करके तो हमारे पास तकरीबन 250-300 तक मरीज़ आ चुके हैं। इनमें हर किस्म के लोग आ रहे हैं, छोटे भी आ रहे हैं, बड़े भी आ रहे हैं, ठीक है ना, इसमें तो ज़्यादातर जो हैं वो बड़े लोग भी हैं, बच्चे भी शामिल हैं इसमें। असा 2010 में इतने सर्वे कई, सर्वे के दौरान यह मालूम कई तो यूनियन काउंसिल रेड़ी में केतरा जी कैसे माजूर अफराद हैं, उन सर्वे में अस मालूम कई तो 2250 माजूर अफराद हैं, जिनके जी जी मुख्तलिफ़ बीमारियों में जो सो मुब्तला जी कन खां गरा अखियन जो उनको नज़र घट है, या जिस्मानी माजूर हैं, या उन पोलियो जहाँ केसिस इन किस्म जो माजूरी जो से असते मिली, उन्हें जो असा असेसमेंट कराई टेक्निकल एक्सपर्ट्स का, टेक्निकल डॉक्टर का, उन्होंने जो अस एडवाइस किया तो उनके कड़े कड़े किस्म की शय की जरूरत है, तो पेरी मरल में अस उन्हें रिहेबिलिटेशन लाइ उनके अस असिस्टिव डिवाइसिस दिना, जिनमें व्हीलचेयर क्रचेस ट्राईसाइकिल है, सीपी चेयर है बारन के लिए, वाइट कैन जो मू अखियन का बिल्कुल नाबीन उनके लिए, जी मू टंगन से ना हली सकन, या कैंकी बाह कटी लाइ कें पेर मुड़ियल तो उनके अस आर्थोटिक डिवाइसिस दिना। आर्थोटिक डिवाइसिस का जो है कन का गरा मा उन हियरिंग एड दिनासी, जी मू नज़र का घटन उनके चश्मा दिनासी, रेड़ी में अस 1286 मानून के जो पैं असेस किया, तकरीबन 800 मानून के आला दई चुका हूँ। साईं मां तकरीबन गुजरल 30 साल मुझे इन इलाक में अचण वजण है, जो दिठो है तो एक तो ही सदियों पुराना गोठ है, रेड़ी जो सो सदियों पुराना गोठ है,
माहीगीर इत आबाद जे वन समुंड जागे मछी आणन था पर बुनियादी सहूलतूँ टी साल में मैं निठो का बेहतरी आई हो बुनियादी सहूलत में तलीम भी अची थी वे पीण जो पानी जो मसलो भी है माहौल की जी आलूदगी उ तमाम वो मसलो है इतने खास तौर से यो मैं दिठो आ कराची या जे भी मतलब अक्सरती इलाका शहरी इलाका उन्होंने सजो गंद खी इतने उछलन था जैसे शहर का हेडे इंद तो वाट से ऐसों इन शहर इन गोठ के आसपास भी ऐसों ढेर होंद रोड के आसपास बदबू इंतहा दर्जे की उन नतीजे में इतना के हवा में जो आलूदगी है वह इतना के बीमार करे थी नतीजो यो निकतो आहे जो अक्सर मानू बीमारियों का शिकार हैं बीमारियों मां जे दिठ्यू हैं तो चमड़ी जो बीमारियों स्किन बकायदा फट मानून के मां दिठा हैं जेमे नासूर ठही वो अन उन्हें जो को भी इलाज ना यानी इन हद तई भी केस सामू आया हैं जो उन नासूर जिनके थी वो है पटन में उन्होंने घर में पंजा माइट रहने ला तैयार ना उन्होंने घर में कड़ी छोड़ो अन बिल बिल्कुल केसिस मजूरी भी हर किस्म की है उनमें हडा खत्म थी उन बुरी जी खत्म पोलियो जहा केसिस बीनाई मानों की खत्म थी वे पी उन अलावा ये जी बुधण की सग मान खत्म थी वे पी तो अड़े किस्म जहा मसला तमाम घना बेशुमार मसला पर इतने को हाँ तुम इतने अस बीठा इतने ही सरकारी अस्पताल है बिन साल वी ठल है ठीक है बिन साल वी बंद पी है जो इन जो को भी डॉक्टर डॉक्टर या स्टाफ वगैरह वो मंजूर थल को का मशीनरी कान्ने का वह बिल्डिंग ठही पी है करोड़े रुपये की पर इतने उनके शुरू न किया पुरानी क्लिनिक है बिन टिन कमर की जी उत डॉक्टर वेहन था वो हलन था सो अरे ये सफा नेग्लेक्टेड नजरअंदाज थल इलाको है न तो जै किस्म की नमत वाला सही दिनी समुंड है इनके जैसे डेवलप कन तो बेहतरीन किस्म जो अड़ो इलाको ठही सके तो जो बहरे मानू इतने अची रहने ला तैयार थी वन पर इनके नजरअंदाज है हैंड्स ऑर्गेनाइजेशन ने लाइक एक यूजफुल प्रोजेक्ट का इनका किया है यहाँ पे माजूर अफराद को डिवाइसेस तकसीम करने का मेरा ख्याल है बाकी इदारों को बाकी फलाही इदारों को भी इस मामले में आगे आना चाहिए इन पसमानदा इलाकों में जैसे रेड़ी गोट है इस तरह के और बहुत सारे गोट हैं जहाँ पर एनजीओस की रसाई नहीं है उन इलाकों में उन गोठों में भी जाना चाहिए एनजीओस को बाकी एनजीओस को भी आगे आना चाहिए। यहाँ पर मैंने काफ़ी तादाद में ख़वातीन को देखा है कम उम्र बच्चियों को देखा है टीनेजर लड़कियाँ हैं टीनेजर बच्चे हैं लड़के हैं जिनको मुख्तलिफ बीमारियाँ हैं लाइक उन्हें सुनने का मसला है दिखाई नहीं देता और बहुत छोटी उम्र से इन बीमारियों का होना खासा अफसोसनाक है। गालिबन यहाँ पर सेहत के मसाइल हैं इसके अलावा दीगर और न्यूट्रिशन प्रॉब्लम है जिसकी वजह से बूढ़ी ख़वातीन बहुत दिखाई दी हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे लोग भी मुझे मिले हैं जो अपने रिश्तेदारों के लिए आए हैं रिश्तेदारों के लिए अप्रोच करने के लिए आए हैं जैसे एक खातून मुझे यहाँ पर मिली थी बूढ़ी खातून थी वो अपने बच्चे के लिए आई थी कि क्या यहाँ पर मस्नूई टांग मस्नूई अज़ा भी फराहम किए जाते हैं मस्नूई हाथ उनके बच्चे का गलबन टांग कट गई थी तो वो पूछने के लिए आई थी। तो इस तरह की भी इन पहलुओं को भी हाईलाइट करना चाहिए और दीगर एनजीओस को दीगर फलाही इदारों को हुकूमती इदारों को भी इस मामले में आगे आना चाहिए। रेड़ी म्याण जो इलाको कराची की कदीम सिंधी वसंदी है जिते तालीम सेहत तोड़े पीण के साफ पानी समेत बिन केतरी ही बुनियादी सहूलत की खोट है जै कर हितां जी आबादी अजाब वाली जिंदगी गुजारण ते मजबूर है। एक तो इदारन की अणाठ है बो तो जी इदारा ठया भी आहन तो उहे बेफायदे बनल आहन जो मिसाल करोड़े रुपये की लागत से ठयल सरकारी अस्पताल है जैके मुकम्मिल थे तो ब साल थी चुका है पर उहा अन्या ताई बंद पियल है जैके चालू कराने लाई सरकारी सतह से का भी कोशिश न कई वही है। रेड़ी म्याण के रहवासिन सिंध हुकूमत का मुतालबो किया है तो वह फौरी तौर से इन अस्पताल के चालू कराए तो जी इलाके के मानुन के इन अस्पताल में सेहत जी का सगाई मिली सके।